मैं ऐतिहासिक नगर उदयपुर हूं। मेरा जन्म आज से करीब 465 साल पहले हुआ था, जब राणा उदय सिंह ने मुगलों और अकबर के आतंक से चित्तौड़ नगरी को छोड़कर मुझे बसाने का निर्णय लिया था। आज ये जो आप फतेह सागर और उदय सागर की वादियों में घूमकर आनंद लेते हो, ये सब उन्हीं राणा उदय सिंह की देन है। जब भी कभी मुझ पर अकबर और उसके वंशजों ने आक्रमण किया, तब राजपुताना तलवारों ने मेरी रक्षा की। कुछ वर्षों पूर्व की जनसंख्या गिनती के अनुसार मेरी सीमाओं के अंदर लगभग 400,000 लोग निवास करते हैं। राजस्थान से गुजरात की तरफ बने चौकोण की तरफ बसने वाले मेवाड़ राज्य की अंतिम राजधानी हूं मैं। मेरी सीमाओं का क्षेत्रफल लगभग 11,724 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरे निर्माण की शुरुआत में उदय सिंह जी महाराज ने उत्कृष्ट कारीगरों को शामिल करके प्लानिंग करके सबसे पहले फतेह सागर का निर्माण कराया, जिसमें पानी की आवक मदार के तालाबों और पिछोला झील से होती है। और जब फतेह सागर लबालब हो जाता है, तो इसका पानी आयड नदी से होते हुए उदय सागर झील में चला जाता है। अगर आप किसी बाहरी शहर से मुझे देखने आ रहे हैं, तो मैं अहमदाबाद से 267 किलोमीटर दूरी पर और दिल्ली से मुंबई रोड रूट में बीच में पड़ता हूं। दिल्ली से मेरी दूरी लगभग 662 किलोमीटर है। शहर में प्रवेश से पहले आप हल्दी घाटी जाकर आप मेरे उन महान प्रतापी राजा महाराणा प्रताप को जरूर नमन करके आना, जो उदयपुर शहर से मात्र 44 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में बसते हैं। उसके पश्चात आप सिटी पैलेस घुमाना, जो मुझे बसाने वाले उदय सिंह जी ने बनवाया था। आहड़ सभ्यता का म्यूजियम भी मुझ में बसता है, जो आप देख सकते हैं। जगदीश मंदिर जरूर हो आना, जिसका निर्माण सन 1651 में महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। मुझ में बसे जगदीश मंदिर के दीवारों पर बनी मूर्तिकला को देखकर आप उन कारीगर के हाथों के जादू से भी रूबरू हो जाएंगे। मुझ में 4 चांद लगाने वाले लेक पैलेस पिछोला झील में मौजूद हैं, परंतु उसे अब होटल का रूप दे दिया गया है। आप एक बार फतेह सागर जरूर हो आना, क्योंकि जब भी मैं फतेह सागर की झील की ओर निहारता हूं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। यहां पर मेरे महाराणा प्रताप जी के कदमों की चाप सुन लेता हूं। यही फतेह सागर झील के किनारे मोती मंगरी नामक पहाड़ी को प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। आप यहां जरूर हो आना। सुखाड़िया सर्कल पर घूमने का और बोटिंग करने का आनंद लेते हुए बच्चों को देखकर खिलखिला उठता हूं। अगर आप कला और नृत्य संगीत प्रेमी हैं, तो अवश्य शिल्पग्राम होकर आना, जहां पर कई राज्यों की अधिम जनजातियों की संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। फतेह सागर झील के पीछे ऊंची पहाड़ी चोटी पर बसे सज्जनगढ़ किले को जरूर देखना, जिसको महाराणा सज्जन सिंह और महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया था। मेरे गौरवमय इतिहास को जानने के लिए एक बार सज्जनगढ़ किले पर अवश्य आना, जिसको मानसून पैलेस भी कहा जाता है। प्रताप गौरव केंद्र में मौजूद महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी मूर्ति को भी निहारते हुए आना, मुझे दिन रात प्रेरणा देती रहती है। इसके अलावा आपको दिखाने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है। राजकीय संग्रहालय, इसमें पुरातत्व समय की वस्तुओं का संग्रह है। बागोर की हवेली, जिसका निर्माण 1651 में महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। गुलाब बाग में जाकर आप बच्चों के साथ टॉय ट्रेन के साथ सफर भी कर सकते हैं। दूध तलाई के नाम से प्रसिद्ध एक तलाई है, उसे जरूर देख कर आना। इसकी भी एक अलग ही कहानी है, वो कभी आपको सुनाऊंगा। चलते चलते मैं अपने लाडले श्री एकलिंग नाथ जी को तो भूल ही रहा हूं, लेकिन उनकी कृपा से ही तो मैं आज तक टिका हुआ हूं। उदयपुर शहर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी श्री एकलिंग जी का मंदिर है, जो पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। भगवान एकलिंग जी मेवाड़ महाराणा के इष्ट देव हैं। इस मंदिर का निर्माण
आठवीं शताब्दी में मेवाड़ शासक के बप्पा रावल ने करवाया था। एकलिंग नाथ मंदिर के पीछे बनी झील के नजारे आपको राजपूती शासन की झलक दिखला जाएंगे। मैं उन जगहों में से हूं जिसमें कभी महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों के कदमों की आहट सुनाई पड़ती थी। मैं उन जगहों में से हूं जहां रक्त तलाई जैसी जगह पाई जाती है। आज भी मेरी सीमाओं के अंदर हल्दी घाटी का वो खूनी खेल दिखता है जो मुगलों की सेना को रोकने के लिए मेवाड़ के राजपूतों ने खेला था। उदयपुर शहर से मात्र 44 किलोमीटर पर हल्दी घाटी, वहां पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है। वहां पर पास में स्थित मेरे महान राजा महाराणा प्रताप के प्यारे घोड़े चेतक की समाधि भी है। मेरे हृदय में मैं आज भी उस महान घोड़े की अस्थियों को समेटे बैठा हूं। मैं क्या कहूं उस महान प्रतापी महाराणा प्रताप के बारे में, जिनके त्याग और मेवाड़ की अस्मिता की लाज रखने के लिए दर दर भटके, घास की रोटियां खाई। आज उस महान प्रतापी महाराणा प्रताप की वजह से ही मेरे नाम की चर्चाएं होती हैं। मुझे अच्छे से जानना चाहते हो तो मेरी सीमाओं में मौजूद गांवों की तरफ जरूर नजर घुमाकर देखना, जहां पर खान पान एकदम देसी बनता है। किसी जमाने में मेरे यहाँ के निवासी मक्के की रोटी और सरसों का साग और दाल बाटी खाने के आदि हुआ करते थे। दाल बाटी तो अब भी दिख जाती है, परंतु मक्के की रोटी और सरसों के साग को मैं निहारते रहता हूं। मुझमें बसने वाली अधिकांश जनता का खान पान एकदम सात्विक पूर्ण है, मांसाहार ना के बराबर होता है। मेरे उदयपुर की सीमाओं में बसने वाले गांवों की प्रमुख आय खेती से होती है। फसलों में गेहूं, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अफीम के पट्टे भी कुछ गांवों को दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, जिससे किसान अपने खेतों में अफीम उगाकर एक निश्चित तय की गई मात्रा की पैदावार करके सरकार को सौंप देते हैं। भारत का मैं एकमात्र ऐसा शहर हूं जिसका नाम झीलों की नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि मुझमें बहुत सारी झीलों का निर्माण अलग अलग राजाओं ने करवाया है। उसमें प्रमुख है फतेह सागर, उदय सागर, बड़ी तालाब, दूध तलाई, रूप सागर, छोटी मदार लेक और छोटे छोटे अनेक तालाबों के झुंड मुझ में बसते हैं। मुझसे मिलने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं। आप चाहें तो ट्रेन के माध्यम से सीधा उदयपुर आ सकते हैं, दूसरा रास्ता है वायु मार्ग का, और तीसरा आप सड़क मार्ग से मेरे दर्शन करने आ सकते हैं। बारिश के मौसम में यहां आओगे तो मैं आपको काफी लुभावना लगूंगा, और गर्मी में आओगे तो आप मुझसे परेशान भी हो सकते हैं। मुझे पूरा देखने के लिए आपको 3 दिन का समय आराम से लगने वाला है, तो जब भी दिल करे मुझसे मिलने आ जाइए। मैं पूरी दुनिया में अपने आकर्षण स्थलों के लिए जाना जाता हूं, और यहां की भव्यशाली महल, झीलें और प्राकृतिक छटा आपका मन मोह लेंगी। मेरी सबसे प्रसिद्ध जगह है सिटी पैलेस, जहां आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा, और साथ में रुकने के लिए भी ये जगह काफी अच्छी मानी जाती है। मेरे पास आकर आपको खाने पीने और ठहरने को लेकर कोई परेशानी नहीं होने वाली। यहां पर आपको फास्ट फूड, जंक फूड रेस्टोरेंट और भोजनालय में खाने पीने की एक से बढ़कर एक चीजें मिलने वाली हैं। यहां घूमने आने पर आपको सबसे पहले सिटी पैलेस दिखाने वाला हूं, उसके बाद आप जगदीश मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे, साथ में आपको पिचोला झील का काफी सुंदर नजारा भी देखने को मिलने वाला है। मैं आपको करणी माता मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगा, और मैं ही आपको सहेलियों की बाड़ी पार्क के नजारे दिखाने वाला हूं। इसके अलावा मुझमें बहुत कुछ ऐसा देखने लायक है, आदि कई जगह हैं जिनके दर्शन भी आपको मुझसे मिलने पर ही होने वाले हैं। मुझे अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आपको यहां गाइड भी मिल जाएंगे। बाकी जुलाई महीने में आप यहां आ सकते हैं। यह महीना मुझे देखने के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। इस महीने में मैं आपको ठंडी ठंडी वादियों का एहसास दिलाने वाला हूं। मैं उदयपुर आपको आमंत्रित करता हूं और आपके आने का इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद।